गीत को एक बार क्लोज आके दिखाइए, 40-45 साल के बाद दिखा है इस बारे एनर्जी आ गया है, एनर्जी आ गया है ना ORS तो इसका काट भी रहा है सर। तो चांद में कौन सा प्रजाति का लग रहा है? हिमालयन वल्चर। अच्छा हिमालय, पूरा भारत में जो है ना ये जो गिद्ध पाया जाता है सिर्फ बिहार में ही पाया, और ये हम लोगों के लिए एक तरह से धरोहर के रूप में है। धरोहर के रूप में ना जी, इस देख रहे हैं 40-45 साल के बाद देख रहे हैं। कहाँ मिला था ये? आरिफ, आरिफ नाम था जो बहुत वायरल हुआ था, कहीं वही वाला खेल तो इसके साथ नहीं होगा ना? ऐसा नहीं है। इस वक्त हम गोड्डा जिला में हैं, यहाँ पर वन विभाग के लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर ये जो पक्षी है कौन सा पक्षी पकड़ाया है ये बताइए सर? गिद्ध। गिद्ध पकड़ाया है। अच्छा कितना दिन के बाद ये गिद्ध इधर दिखा था चाचा ये बताइए? 40-45 साल के बाद देख रहे हैं। 40-45 साल के बाद देख रहे हैं। कहाँ मिला था ये? ये बिहार में। बिहार में मिला था। कौन पकड़ के लाया था? ये क्या नाम है, आजाद और अरशद। अरशद नहीं है, आजाद मौजूद है। अच्छा ये जो अभी गिद्ध है ये मतलब सही सलामत है कि घायल है? सही सलामत है, कहीं इसको चोट घाट हम लोग नहीं देखे हैं। चोट घाट नहीं देखे हैं? कहाँ मतलब खेत में ऐसे पकड़ा गया ना? खेत में ऐसे पकड़ा गया। 40-45 साल के बाद दिखा था? जी हाँ। लेकिन भागलपुर में इससे पहले सर एक बार शायद दिखा था, 1-2 साल पहले। सही बताइए गिद्ध मतलब की स्थिति कैसा है? स्थिति अभी ठीक ठाक कंडीशन में है। ग्रामीण इसको बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किए हैं, रखे हैं, इनको भोजन पानी सबका ख्याल रखे हैं। इसके लिए इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी हम लोग देते हैं, और ये हम लोगों के लिए एक तरह से धरोहर के रूप में है। धरोहर के रूप में ना जी, इसको बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। हम लोग वन विभाग से हैं, और इसको जो है सो कोशिश करेंगे इसको बहुत अच्छे जगह पर इसको जो है सो जाके ले जाए। पहले इसको डॉक्टर से चेकअप कराया जाएगा, उसके बाद जो इसको जहाँ पर होगा हमारे अधिकारी इसको बताएंगे, इसको जो इसका असली जगह होगा उसको वहीं पर पहुंचा। और आपको बता दें हम कि पूरा भारत में जो है ना ये जो गिद्ध पाया जाता है सिर्फ बिहार में ही पाया जाता है, और ज्यादा संख्या में और कई राज्य में है लेकिन बिहार में ही पाया जाता है। चार पांच इसका प्रजाति होता है। कितना प्रजाति? 4-5 होता है ना सर? कौन कौन सा प्रजाति सर होता है? प्रजाति के बारे में पूरा डिटेल तो नहीं, हम लोग को एक्सपर्टीज तो है नहीं। अच्छा, लेकिन इधर ये पहचान में कौन सा प्रजाति का लग रहा है? हिमालयन वल्चर। अच्छा हिमालयन प्रजाति का है ना, तो सर को बार बार नीचे झुका ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम इसको है क्या? पता नहीं, भूख से अभी गर्मी और भूख इसको बहुत ज्यादा लगा हुआ है। अच्छा गर्मी और इसको भूख लगा हुआ है ना, तो इसका काट भी रहा है सर? तो काट भी रहा है, खिलाए थोड़ा एनर्जी आया। अच्छा ORS वगैरह दिए हुए है ना, पंजाब इसका काफी बड़ा बड़ा है। दिखाइए थोड़ा क्लोज आके दिखाइए एक बार गिद्ध को, एक बार क्लोज आके दिखाइए। 40-45 साल के बाद दिखा है, इसलिए यहाँ पे जो आम लोग हैं इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी एक बार हपकन भी थोड़ा उंगली में लगा दिया था लेकिन कुछ हुआ नहीं है। कितना वजन सर इसका होगा? लगभग 7-8 किलो के आसपास। 7-8 किलो होगा। जरा एक बार नीचे रख के जरा दिखाइए, लोग भी देखेंगे कितना बड़ा हो, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये दिखेगा तो लोग देखना इसको पसंद करेंगे। पंखा जरा एक बार उठा, थोड़ा सा साइड हो जाइए आप लोग। देखिए देखिए एक बार, एनर्जी आ गया है। एनर्जी आ गया है ना? ORS इसको मटन खाया है। अच्छा मटन भी खाया है? जी मटन भी खिलाए हैं। पंख जरा एक बार उठाइए ना सर ऊपर, कितना बड़ा है लोग ने, देखना चाहेंगे। अच्छा भागने का प्रयास करता है ना सर? भागने का प्रयास करता है, भागने का प्रयास करता है। देख लीजिए यही है गिद्ध जो कि 40-45 साल बाद जरा दिखा है। हालांकि एक बार हम देखे थे वेबसाइट पर कि भागलपुर क्षेत्र में एक बार गिद्ध और पकड़ाया था, वो वहाँ भी बिहार के वन विभाग वाले लोग आके ले गए थे। अच्छा सर इसको लेके जाने के बाद आप लोग का क्या प्रथम प्रक्रिया क्या रहेगा? पहले तो इसको डॉक्टर से चेकअप कराया जाएगा, उसके बाद इसको वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार। अच्छा डॉक्टर से चेकअप होगा, फिर वरीय पदाधिकारी जो भी बोलेंगे वो अप्लाई किया जाएगा। लेकिन ये बताइए इसको जंगल में फिर से छोड़ दीजिएगा या फिर कैद करके रखिएगा? नहीं नहीं कैद नहीं रखते हैं किसी भी चीज को हम लोग अभी इसको आवश्यकता ट्रीटमेंट का है तो वह दिलाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी एक ORS बड़ा ट्रेंडिंग में था, आप लोग देखे होंगे न्यूज, उसको भी वन विभाग के लोग ले गए और कैद करके रखे, जबकि वो जिसके पास पहले से घर में था वहाँ कैद नहीं था, है ना सर? आरिफ नाम था जो बहुत वायरल हुआ था, कहीं वही वाला खेल तो इसके साथ नहीं होगा ना? ऐसा नहीं है। अगर जरूरत पड़ता है तो जब तक इसका ट्रीटमेंट का जरूरत पड़ेगा तब तक हो सकता है कि 1-2 दिन इसको रखा जा सकता है रेस्क्यू सेंटर में। हमारे मागावा में इसका रेस्क्यू सेंटर है वाइल्ड लाइफ का, तो वहाँ इसको रखा जाएगा। उसके बाद जरूरत पड़ने पर हमको लगता है ऐसा हमारे पदाधिकारी इसको किसी वन्य जीव अभ्यारण्य में इसको भेज सकते हैं, या फिर जंगल में जैसा उसका दिशा निर्देश होगा हमारे साहब का वैसा हम लोग करेंगे। कहने का मतलब कि इसको जहाँ पसंद होगा वहाँ इसको छोड़ दिया जाएगा। इसका जो इसके एक्सपर्टीज होंगे वो बताएंगे, हमारे पदाधिकारी से बात करेंगे ऊपर, वो बताएंगे इसको किसको कहाँ पर छोड़ा जाएगा, उचित क्या होगा इसके लिए।
बाकी देख लीजिए 40 से 45 साल के बाद दिखा था गीत, यहाँ के लोग बता रहे हैं। अभी इस वक्त हम झारखंड के क्षेत्र में हैं और झारखंड के यहाँ पे जो वन विभाग की टीम है वो आई हुई है, अभी पैक करके लोग लेके जाएंगे। अभी हालांकि भूखा है, थोड़ा बहुत वायरस और मीट इसको दिया गया है तो थोड़ा सा एनर्जी आया, 5-7 किलो का है। बहुत दिनों के बाद देखने को मिला, सामने से दर्शन हुआ, काफी बढ़िया लगा। बाकी गीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, फॉरेस्ट विभाग के बारे में क्या सोचते हैं कि इमीडिएट फोन करने के बाद तुरंत ये लोग आए? हम खुद फोन किए थे, भागलपुर से फोन किए थे, हम खुद 50-60 किलोमीटर अभी सफर करके आ रहे हैं और सर लोग हमसे पहले आ गए। कहीं ना कहीं झारखंड का जो फॉरेस्ट विभाग है तत्पर है और बढ़िया काम कर रहा है। बढ़िया काम के लिए जो है ना, इनके लिए कमेंट कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।